नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, व्हाट इज ट्रू वेल्थ। आज हमारे बीच राकेश झुनझुनवाला सर नहीं रहे, एट द एज ऑफ 62 उनका निधन हो गया। ये हमारे इंडिया के वॉरेन बफे हैं। मीन्स किस लेवल से किस लेवल तक कोई जा सकता है, उसका एक बर्निंग एग्जाम्पल है राकेश सर। आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि उनके जैसे एक एक्सपीरियंस मार्केट में, शायद ही हमारे इंडियन मार्केट में कोई होंगे। उन्होंने जो संपत्ति बनाए हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू से, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, उनको कहते हैं कि द बिग बुल ऑफ इंडिया। सही में वो बिग बुल है। कौन सा लेवल से कौन सा लेवल तक ये पहुंच चुके हैं, एकमात्र इनका खुद का डेडिकेशन से। लेकिन इनका जो जन्म हुआ है 1960 में, यानी सिर्फ 62, यानी अगर कोई अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो जस्ट 2 साल पहले ही रिटायरमेंट करे होंगे। यानी लगता है कि उनको और थोड़ा लाइफ जीना चाहिए था, शायद 75, 80 या 85। क्योंकि हम जब भी राकेश सर को कंपेयर करते हैं वॉरेन बफे के साथ, वॉरेन बफे, उनका जन्म हुआ है 1930, यानी अभी उनका 30 अगस्त को 92 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वॉरेन बफे द सेल्फ मेड बिलियनियर, वो कैसे उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन किए हैं ताकि इवन एट द एज ऑफ 92 अभी भी ग्लिटरिंग कर रहे हैं। एंड हम सभी ये आशा करते हैं कि ये 100+ हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो राकेश झुनझुनवाला सर है, उनका सिर्फ 62, यानी 30 साल और ज्यादा वॉरेन बफे सर जी रहे हैं। तो कहने का मतलब, इन्होंने तो वेल्थ बहुत बनाए हैं, लेकिन शायद हेल्थ के मामले में उनको थोड़ा सा कुछ कहीं पे थोड़ा सा कमियां रह गए, इसीलिए इतने जल्दी इस दुनिया से उनको जाना पड़ा। तो इसी बात पे आज का ये छोटी सी बात है, ट्रू वेल्थ। नो डाउट मॉनेटरी वेल्थ, संपत्तियां जो है दैट इज द वेल्थ, लेकिन हमारे जो ट्रू वेल्थ है वो हमारा मेनली द हेल्थ है, हमारा माइंडसेट है। तो हम अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ, जो फिजिकल वेल्थ है, उसको बढ़ाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइंड के ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ताकि हमारे आने वाले दिन और थोड़ा बेहतर हो पाए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि 60+, 70+ एंड 80+ में हम एक स्मूथ लाइफस्टाइल जी पाए, ना कि किसी और के सहारे चलना, ना कि किसी और के सहारे जीवन व्यतीत करना। खुद के पांव पे, खुद के हाथों में खाना खाना, खुद के पांव पे चलना, खुद के बलबूते पे जिंदगियों को निभाना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्या हम संपत्ति या फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाने के साथ साथ, क्या हम फिजिकल हमारा हेल्थ का जो प्रॉपर्टी, हेल्थ का जो वेल्थ है, उसको भी थोड़ा सा बेहतर कर पाए? क्या हम हमारे जो मेंटल वेल्थ है, उसको भी क्या हम थोड़ा और बेहतर कर पाए? इसके ऊपर आज का ये छोटी सी बात है। क्या हम और थोड़ा खुद के बारे में सचेतन हो पाए? हम हमारे शरीर, अपना जो देह है, वो क्या चाहते हैं, किस टाइप का अटेंशन चाहते हैं, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाएंगे? क्या हम अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, ताकि 70+ एंड 80+ में खूब बहुत ही इंडिपेंडेंटली हम अपना दिनचर्या बिता पाए,
उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, यानी फिजिकल वेल्थ के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई शॉर्ट टर्म नहीं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, नो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हमें करना चाहिए। मेंटल वेल्थ के ऊपर क्या हमें थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। उसके बाद है रिलेशनशिप वेल्थ के ऊपर, क्या हमें थोड़ा सा और विचार करना चाहिए ताकि हम एक खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर पाए। ऑल्सो आने वाले जेनरेशन को कुछ मैसेज दे पाए कि सिर्फ करियर के पीछे, सिर्फ वेल्थ के पीछे, मनी के पीछे, डॉलर के पीछे ना दौड़ के एक होमोजेनियस मिक्सचर कर पाए हेल्थ का वेल्थ, माइंडसेट का वेल्थ, रिलेशनशिप का वेल्थ, अलोंग विथ आपका करियर का गोल, आपका बिजनेस का गोल, सक्सेस का गोल, सबके साथ एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक ब्लेंड कर पाए ताकि हम एक अच्छा जीवन बिता पाए। यही छोटी सी बात के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। वंस अगेन माई हार्ट फेल्ट रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू आवर राकेश सर, उनको उनके आत्मा को सदगति मिले। ओम शांति।